हेलो गाइस, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका यूज़ क्या है और रियल लाइफ में हम उसको कहाँ कहाँ देखते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल फॉर्म में है, चाहे वो कोई सॉन्ग है, कोई फाइल है, आपकी एक्सेल फाइल ले लो, वर्ड फाइल ले लो, कोई इमेज ले लो, पीडीएफ फाइल ले लो, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी डिजिटल फॉर्म के अंदर है वो क्या है, आपका डाटा। अब इस डाटा को हमने कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, यानी कि हमें एक स्टोरेज फॉर्मेट प्रोवाइड करना है ताकि हम उस डाटा को फ्यूचर में एफिशिएंटली एक्सेस कर पाएँ, मिनिमम टाइम में एक्सेस कर पाएँ और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पाएँ, कोई अपडेशन कर पाएँ। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम। इन कंप्यूटर साइंस, अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट अनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। अब देखो, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का यूज़ क्यों किया। अब हम डेली बेसिस पे, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि गूगल है, अमेज़ॉन है, फेसबुक है, ये डेली बेसिस पे इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट कर रही है। अब डाटा कलेक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट भी आएगी और उसको हमें कोई ना कोई ऐसा स्टोरेज फॉर्मेट भी देना पड़ेगा ताकि हम उसको इन फ्यूचर एक्सेस कर पाएँ। अब आप क्या करते हो फेसबुक के अंदर, आप अपनी डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, फोटोएं अपलोड कर रहे हो, उसके अंदर ऐड कर रहे हो उसको। वो क्या करता है, फेसबुक में क्या किया हुआ है कि उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। उस स्ट्रक्चर, जो भी उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब देखो, उन्होंने एक डाटा को स्ट्रक्चर दे दिया तभी तो हम मिनिमम टाइम में उसमें एक्सेसिंग कर लेते हैं, उसमें इंसर्शन कर लेते हैं, उसमें कुछ भी डिलीट कर लेते हैं हमने अपनी फोटो को, राइट। तो ये चीज़ क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई डाटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। डाटा स्ट्रक्चर ये नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर सिंपली इज द वे टू स्टोर द डाटा, ठीक है। अब देखो, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारी एक लाइब्रेरी है, सपोज करो आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हो और आप बहुत सारे ऐसे बुक्स का ढेर देखते हो, तो क्या उस बुक को आप कोई भी, सपोज करो आपको डाटा स्ट्रक्चर की बुक चाहिए, आप उसमें से ले पाएंगे? आपको कितने दिन लग जाएंगे ढूंढने में डाटा स्ट्रक्चर की बुक को? तो इसलिए हमारे लाइब्रेरियन क्या करता है, उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है हर एक सब्जेक्ट को, ताकि आपको ईजिली बुक एक्सेस हो जाए। यहाँ पे बुक्स क्या है, डाटा है। बुक्स को हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर, एक स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी, उसकी मैनेजमेंट भी आएगी, ताकि इन फ्यूचर हम उस बुक्स को पढ़ सके, रीड कर सके, ठीक है। अब देखो, बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो गाइज, आप हैरान हो जाओगे, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ आपकी एप्लीकेशन, आपका कोई सॉफ्टवेयर, आपकी वेबसाइट, हर चीज़ का बेस, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अच्छे से वर्क करने का मतलब ही यही है कि उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है, उसके पीछे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो उसका बेस है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आपके साथ साथ थाउजेंड ऑफ यूजर्स सर्च कर रहे हैं और सेम ही स्पीड के साथ आप रिजल्ट को लेते हो, ठीक है। उसके पीछे उसका बेस क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। आप अमेज़ॉन पे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप वहाँ पे कुछ भी एंटर करते हो, आपने कोई बुक एंटर की, डाटा स्ट्रक्चर, तो आपको सारी की सारी डाटा स्ट्रक्चर की जो बुक्स है विद रिव्यू, जल्दी इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाता है, उसके पीछे क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो आप फेसबुक पे देख लो, सब कुछ डाटा स्ट्रक्चर ही वर्क कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ AI, मशीन लर्निंग इसके पीछे साथ साथ चलती है, बट बेस में क्या है, डाटा स्ट्रक्चर, एक बहुत अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है। तभी तो हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने से पहले हमारे टीचर या यूनिवर्सिटी में जो भी हमारा जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसमें हमें डाटा स्ट्रक्चर को पहले करवाया जाता है, क्योंकि हम पहले से ही सारे के सारे वन बाय वन ये स्ट्रक्चर्स को पहले से ही पढ़ लेते हैं, उनके लॉजिक को रीड कर लेते हैं, उसमें इंसर्शन कैसे होएगी, उसमें डिलीशन कैसे होएगी, जैसे कि स्टैक है, क्यू है, एरे है। अगर हमें पहले ही इन स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होगी
तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि उन लैंग्वेज के अंदर कहीं ना कहीं हम इन्हीं स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं। तो आगे हम फर्दर वीडियो में हम वन बाय वन एक एक करके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, इन डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।